हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली कैपिटल इस बार चैंपियन की दावेदार बनने वाली है, क्योंकि इस टीम में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं जो इस साल ट्रेड हुए हैं। आर अश्विन, अजिंक्य रहाणे, इनके पास काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन मुश्किल ये भी बढ़ गई है, रिकी पोंटिंग कौन कौन से प्लेयर को प्लेइंग 11 में जगह देने वाले हैं, क्योंकि शिखर धवन, पृथ्वी शाह, अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, शिमरन हेटमायर, ऐसे बड़े प्लेयर जो दिल्ली कैपिटल की टीम में हैं। तो इस बार की प्लेइंग 11 एकदम डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इनके पास बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बॉलर भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो इस साल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली, रिकी पोंटिंग कौन कौन से खिलाड़ी को बाहर कर सकते। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। इस बार दिल्ली कैपिटल ने दो बड़े प्लेयर को ट्रेड किया है, जो कि एक अजिंक्य रहाणे जिनको राजस्थान से लिया, और दूसरे किंग 11 पंजाब के खिलाड़ी थे आर अश्विन, जो इस साल दोनों दिल्ली कैपिटल के लिए खेलने वाले हैं। तो इस बार दिल्ली कैपिटल काफ़ी बड़ी टीम बन चुकी है, लेकिन रिकी पोंटिंग की मुश्किल उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्लेइंग 11 में या तो आर अश्विन, ईशांत शर्मा को ले सकते हैं, अजिंक्य रहाणे को बाहर कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल में छः ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह पक्की है, एक पृथ्वी शॉ है, एक शिखर धवन है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, शिमरन हेटमायर है जो कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और कगिसो राबड़ा, ये छः खिलाड़ी कंफर्म खेलने वाले हैं। बाकी पांच खिलाड़ी कौन से रहने वाले हैं, अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, आर अश्विन, ईशान शर्मा, अवेश खान, कीमो पाल, मार्क स्टोनिक, इसमें से कोई पांच खेलने वाले मैच में पता चलने वाला है रिकी पोंटिंग कौन से प्लेइंग 11 के साथ जानने वाले हैं। लेकिन ये कंफर्म है, शिखर धवन, पृथ्वी शाह ये दोनों ओपनिंग करेंगे, या फिर शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने वाले हैं इस टीम के लिए, और ऋषभ पंत पाँचवें नंबर पर आएंगे, और छठे नंबर पर श्रेयस अय्यर आने वाले हैं, तो तीन नंबर पर शिमरन हेटमायर आएंगे। और अगर दो तीन मैच में कोई भी खिलाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो अजिंक्य रहाणे को कंफर्म प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। ये तो 19 सितंबर के बाद, जो 20 सितंबर को पहला मैच है दिल्ली कैपिटल का, उस वक्त पता चल जाएगा कौन सी प्लेइंग 11 के साथ रिकी पोंटिंग गए हुए हैं। कैपिटल की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरन हेटमायर, मार्क स्टोनिक, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, कीमो पॉल, कगिसो रबाड़ा और ईशान शर्मा, ये प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 रहेगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।